हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं अपना वाइट स्टोर चैनल। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग मतलब कैसे लगाएं, कहां से लगाएं और इसके लगाने क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के डिस्क्रिप्शन में देखते होंगे कि वो नीचे वो डिस्क्रिप्शन में भी टैग लगाते हैं, तो लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग लगाने से क्या फ़ायदा होगा, कैसे लगा सकते हैं और कहाँ से लगा सकते हैं और इसका लगाने का सही तरीका क्या है। तो अगर आपको जानना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सो जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते तो उसको नोटिफिकेशन अब तक याद रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में टैग लगाने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों आप तो मतलब फ़ायदे इसके जानते ही होंगे। अगर आप अपनी वीडियो के टैग बॉक्स में टैग लगाते हैं तो इसका फ़ायदा आप जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है। इससे आपकी वीडियो सर्च में आती है और अगर आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों टैग लगाएंगे तो इससे मतलब डबल चांस हो जाता है आपका वीडियो सर्च में आने का। मानता हूँ अगर आप टैग बॉक्स में लगाते हैं तो उससे मानता हूँ 50% आपका चांस रहता है सर्च में आने का, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी टैग लगाएंगे तो आपका 90% हो जाता है कि आपकी वीडियो सर्च में आए। दोस्तों टैग लगाने का डिस्क्रिप्शन में भी यही फ़ायदा होगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम मतलब अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कहाँ से लगाएं। दोस्तों ये जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको वो टैग कहाँ से लगाना है, जैसे कि आप अपने टैग बॉक्स में टैग लगाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, सर्च करते हैं, जो ट्रेंडिंग टैग होता है वही लगाते हैं, वैसा ही राइट आपको करना है, वैसे ही सर्च करके देखना है और जो ट्रेंडिंग मतलब टैग होगा वही अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना है। तो अब आप ये भी जान गए कि टैग कहाँ से लगाना है। और लास्ट बात दोस्तों मैं बता दूँ कि टैग कैसे लगाएंगे और कैसे मतलब सही तरीका क्या है इसका लगाने का। दोस्तों कैसे लगाना है मैं सबसे पहले बता दूँ, आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बारे में कुछ लिखते हैं या किसी चीज़ का लिख देते हैं सब दे दीजिए, फिर उसी डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आप मतलब पहले लिख दीजिए योर क्यूरीज, और योर क्यूरीज लिखने के बाद नीचे नंबर दे दीजिए 1-2-3 जितने आपके टैग होंगे और फिर वहाँ पे अपने टैग लिखिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मतलब टैग लगाते हैं तो वो गलत तरीके से लगाते हैं, जैसे कि मैं दोस्तों पहला ये इमेज ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये देखिए टैग कैसे लगाया गया है, ना योर क्यूरीज ना योर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा, ना इसमें नंबर दिया गया है, ना फुल स्टॉप है। ये तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत है। और ये देखिए दोस्तों दूसरा इमेज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस टैग में नंबर तो दिया गया है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप नहीं दिया गया है, यहाँ पर कमा लगाया गया है। दोस्तों ये तरीका भी गलत है, आपको अपने डिस्क्रिप्शन के टैग में कमा का यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में टैग लगा रहे हैं तो वहाँ कमा लगा कर मत लगाइए, लास्ट में वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। और दोस्तों अब मैं बता देता हूँ सही तरीका क्या है। तो ये देखिए तीसरा इमेज लास्ट इमेज, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर योर क्यूरीज लिखा गया है, मतलब आप कुछ भी लिख दीजिए, योर क्यूरीज योर क्वेश्चन सोल्व जो मतलब आप लिख दीजिए और फिर वहाँ पर नंबर दीजिए जितने आपके टैग होंगे, और नंबर देने के बाद देखिए जैसे टैग लिखा गया है यहाँ पर वैसे ही राइट आपको टैग लिख देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों आपको ऐसे ही लगाना है और बाकी इमेज आपने देखा तो उस तरह आपको नहीं लगाना है क्योंकि वो बिल्कुल गलत तरीका है, उससे आपकी वीडियो सर्च में नहीं आएगी। और लेकिन अगर आप ऐसे लगाते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के टैग में तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, यही सही तरीका है। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो में इसी के बारे में बताना था कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी टैग कैसे लगाएं और कहाँ से लगाएं, इससे क्या फ़ायदा है, मैंने ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो में यही बताना था, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।